एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग एमपीटेट के 15 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं कि अब अंतिम 15 दिनों में आप लोग कैसे अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। तो हम यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम लेना है, किस सब्जेक्ट पर आपको और ज्यादा काम करना है, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमको पैटर्न पता चलता है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कुछ चैनल टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड करे हुए हैं। मैं आज और कल में और भी पेपर जितने मुझे मिलते हैं मैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो वहां से आप उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पर जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है या कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं करे, तो 15 दिनों में आप उन लोगों को उन टॉपिक्स को पूरा कर लीजिएगा। अब सब्जेक्ट्स वाइज बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। सीडीपी में आप लोगों को क्या करना है, देखो वाइज अब 15 दिन है तो आप लोग ये सोचो कि अब डीपली बिल्कुल थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब आप बिल्कुल एक एक चैप्टर अभी से लेके बैठ जाओगे तो वो सही रहेगा। बहुत लोग कर सकते हैं, मैं इस चीज से मना नहीं कर रही, लेकिन ये है कि अभी ये सही डायरेक्शन नहीं होगा उन चीजों के लिए कि आप बिल्कुल थ्योरी वाइज एक एक टॉपिक करने बैठ जाओ डिटेल में, वो भी बहुत ज्यादा डीपली। तो उसके लिए क्या करना कि जो भी आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ रखा है कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा ही होगा, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग इतने टाइम से जुड़े हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने कर रखा है उसको अच्छे से रिवीजन कर लो। ऐसा ना हो कि जो टॉपिक्स हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे उन्हें एक दो महीने से हमने पढ़ाई नहीं और वो बिल्कुल सफा हो गए, हमें पता ही नहीं है कि स्क्वायर फोल्डिंग क्या होती है, स्कीमा ही भूल गए, बहुत बार होता है मोरल रीजनिंग भूल गए, किसने दी क्या बाकी। तो एक बार ना पूरा अच्छे से आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर लो। फिर भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे गए हैं और नहीं हुए, तो केवल उन्हीं टॉपिक्स की थ्योरी कंप्लीट करके जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना आप लोग, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस करी तो देखो, एक तो सीडीपी शॉर्ट्स के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 7 to 8 सेशंस अपलोडेड हो चुके हैं और ये केवल इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को पूरी थ्योरी ना पढ़नी पड़े। जो भी उस थ्योरी में से मक्खन निकल कर आता है, बिल्कुल जो मेन मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं वही आप लोगों के सामने एज अ समरी के रूप में प्रेजेंट किया जाए। तो आप लोग ये देख सकते हैं एक 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज है, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो पर डे कर देंगे। अभी क्या है वो अल्टरनेटिव डेज में चल रही है, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो 5000 क्वेश्चन की ये सीरीज है इसको पर डे कर दिया जाएगा, तो वहां से आप अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग गाइस हमेशा पूछते हैं ना टेस्ट सीरीज के बारे में कि मैम कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को ना एक फुल डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोग कैसे ले सकते हैं। आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ना ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, वर्ग 3 स्पेशल 2022। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, और भी अदर स्टेट्स के एग्जाम्स वगैरह हैं वो भी दिए गए हैं। आप लोग वर्ग 3 मार्च स्पेशल 2022 फुल लेंथ टेस्ट वाला जो है ना, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये 299 है। जैसे ही आप ANUBHA50 Anubha50 कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये टेस्ट सीरीज आपकी 149 में हो जाएगी। फिर आप वर्ग 3 मार्च स्पेशल 2022 ये आपको इस तरीके से दिखेगा, एक फ्री डेमो टेस्ट रहेगा, आप लोग इस चीज को जांच सकते हैं। तो आप लोग एक डेमो टेस्ट फ्री में भी दे सकते हैं, अगर आपको डेमो टेस्ट ठीक लगता है तो आप फिर उस ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको आप परचेस कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। इसीलिए आप लोग एक डेमो टेस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है कि आप लोग एक डेमो टेस्ट दें, उससे एनालिसिस कर लें, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपकी रैंकिंग मिलेगी, सब्जेक्ट्स वाइज आप लोगों को एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को भी एक खुद से पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा यूजफुल है। इसमें 20 FLT दिए हुए हैं यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, डेट वाइज भी दिए हुए हैं, आप लोग बाद में भी दे सकते हैं। जिन लोगों ने पहले टेस्ट सीरीज ले ली है वो इन डेट के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 20 FLT आप लोग के लिए प्रोवाइडेड किए गए हैं। फिर आप लोगों को ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये सब्जेक्ट वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके ना डिफरेंट टेस्ट होंगे, 10 questions और 10 minutes। तो इससे ना आप लोग अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शंस देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सीडीपी में कैसी चल रही है।
भले ही यहाँ पर सीटेट वाला ऑप्शन लिखा है, लेकिन आप इसमें उसी जो आपने एमपीटेट में एनरोल किया है उसी कूपन कोड का यूज करके आप लोग यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को देख सकते हो। और ये जो कूपन कोड है वो केवल एमपीटेट के लिए नहीं, बल्कि एमपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आपको दिख रहे हैं, इनको आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको इतने सारे टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। 10 क्वेश्चंस हैं, तो आप चाहें तो एक दिन में कम से कम 3 तो देना ही है आपको, आप और ज़्यादा भी दे सकते हैं। छोटे छोटे से सेशंस रहेंगे तो बोरियत भी फील नहीं होती है। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 मिनट्स गिवन है, आराम से आप लोग अपनी तैयारी का एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या है हमारी टेस्ट सीरीज के, तो देखो सबसे पहले तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। फिर सेल्फ एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत से लोगों को पेपर आ रहा होता है लेकिन वो अपना समझ नहीं पाते हैं कि मतलब वो किस पॉइंट पर वीक हैं, किस में स्ट्रांग हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मार्किंग होती है, CDP में अलग होगी, इंग्लिश में अलग होगी, हिंदी में अलग होगी। रैंक एनालिसिस होगा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में आप अपनी रैंक का एनालिसिस कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो वीक हैं आपको उन पर अभी पकड़ बनानी है, क्योंकि अभी भी 15 से 20 दिन हैं, आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर टाइम मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को पेपर आ रहा होता है लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता। तो आप लोग जब ये टेस्ट सीरीज देंगे, 20 FLT लगाएंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर बना पाएंगे, टाइम अच्छे से मैनेज करना सीख पाएंगे कि 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन है, कैसे मैनेज करना है। ये सब चीज़ें कब, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आपको अपनी कमजोरी और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये 1 ईयर के लिए वैलिड रहती है। ये जो कूपन कोड अगर आपने एक बार ले लिया तो पूरे 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। आप चाहे पटवारी, आप चाहे तो स्टेनोग्राफर, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन एमपीटेट की बात करना चाहें, तो सेम कूपन कोड यूज़ करके आप अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं। चल गया होगा, बेनिफिट्स पता चल गए होंगे कि टेस्ट सीरीज से कितना ज्यादा हेल्प मिल जाती है, पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। क्योंकि अभी हम क्या है, केवल बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक कितने हमारा टाइम ले लेगा। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में बस अब हम लोग को ये पता है कि हमें आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि वो मैथ का जो क्वेश्चन है या जो सम है वो कितना टाइम ले लेगा। तो टेस्ट सीरीज से यहाँ पर जैसे आपको 2.5 घंटे मिल गए, तो 150 मिनट्स में जब वो एक एक मिनट आपका करता जाएगा और आपका एक एक क्वेश्चन होता जाएगा, तो आपको उससे ना एनालिसिस हो जाएगा कि आपको इस टॉपिक में या फिर इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आपका टाइम लग रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर सेकेंड अब हम सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, हमारा लैंग्वेज वन पर आ जाते हैं। लैंग्वेज वन सपोज यहाँ पर हिंदी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हिंदी ले रखी है। जो भी आप लोगों ने ले रखा हो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। अब हिंदी में क्या है, बहुत ज्यादा ग्रामर डीप में मत पढ़ने बैठ जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ली और टेस्ट सीरीज से आपको पता ही चल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को केवल जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों में एक शब्द हो गए, संधि समास, केवल जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो कम मुश्किल से मुश्किल 10 टॉपिक्स ऐसे निकल कर आएंगे। अगर आप लोग आज से भी शुरू कर देंगे तो अभी पूरे पूरे 15 दिन रखें, आप लोग आराम से निपटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या अपठित गद्यांश आने, वो तो आपको पता ही नहीं है ना कि जो चीजें पढ़ी नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे और उसी के अंदर से बोलो पूछेंगे, पर्यायवाची पूछेंगे, विलोम पूछेंगे, कोई एक वर्ड दे देंगे उसमें से बताएंगे संधि कौन सी है, इसका संधि विच्छेद कीजिए, समास कौन सा है, समास का नाम बताइए। तो केवल आप लोग जो मुश्किल से मुश्किल 10 टॉपिक ऐसे निकल कर आएंगे जो कि आपके हिंदी में इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये आपको हिंदी के लिए काम करना है। हिंदी पैडागॉजी के लिए क्या, हिंदी पैडागॉजी के लिए एक तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या है, अब आपको हिंदी की पैडागॉजी तो देखने को मिलेगी नहीं, तो अदर स्टेट के जहां कहीं भी हिंदी पैडागॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक, लगभग 10 से 12 सेशंस हिंदी पैडागॉजी के चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वरना आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है हिंदी पैडागॉजी के नाम से, वहां से आप इसको देख सकते हैं। लैंग्वेज 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। लैंग्वेज 2 में जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या है, अपठित चीजें आनी है, तो बहुत ज्यादा इस पे ग्रामर पे जोर मत देना। 15 दिन रह गए, तो जितना ज्यादा आप ग्रामर पर जोर देंगे ना, उसकी तुलना में उस टाइम को वोकैब में टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपना। जितना ज्यादा आप वोकैब लर्न कर सकते हैं, 1 दिन का 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, मिनिमम 10 कर सकते हैं, जितना आपका अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बस ग्रामर पर बहुत ज्यादा तवज्जो ना देकर जितना टाइम बाहर डिवोट कर रहे हो वोकैब में करो। जितनी ज्यादा वोकैब अच्छी होगी उतनी ज्यादा पैसेज बना लोगे, क्योंकि पैसेज तो अनसीन आने, किसी को पता नहीं कौन सा पूछ लिया जाए। प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। 20 FLT इसीलिए है, तो 20 FLT से क्या होगा, आपका टाइम पता चल जाएगा कि आपको कितना क्या टाइम लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, प्लस आपकी स्पीड मेंटेन होगी। सबसे बड़ी बात आ जाती है स्पीड की, क्योंकि लोग ना
पूरा पूरा लगभग लगभग उनको 90-95% आता है, लेकिन उनकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छी ना होने की वजह से बहुत से क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो ये FLT इसीलिए, ये 20 क्वेश्चंस की FLT आप लोग लगाइए, उसमें टाइम भी दिया रहता है तो आपको बिल्कुल डिस्प्ले पर टाइम दिखता रहेगा, अपने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही है। तो टाइम मैनेजमेंट और स्पीड एक्यूरेसी ये सब आपको पता चल जाएगी। हमने इंग्लिश, हिंदी और CDP के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं EVS। अब चूंकि EVS इतनी अथाह है कि आप लोग क्या पढ़े और क्या छोड़े ये पता ही नहीं है, तो EVS में तो ये है कि अदर स्टेट के बिल्कुल जितने पेपर्स हैं आप तो वो लगाइए, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो वो लगाइए। अगर आपको थ्योरी, मैं नहीं कहूंगी कि 15 दिन में आप थ्योरी पढ़ने बैठो, अगर आपको लगता है तो आप थ्योरी की तरफ जाइए, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 से 12 सेशंस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप उन पर और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो वो भी रिज्यूम कर दी जाएगी, तो आपको और भी सेशंस देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन अगर पढ़ने की प्रैक्टिस भी करी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, इसमें 40 है, जैसे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक में 40 सेट है तो एक में 30 क्वेश्चन है, तो लगभग 1200 तो यही होगा। 50 क्वेश्चन आपने ये लगाए लगभग 15 दिन तक, तो लगभग आपके 750 ये हो गए, लगभग आप इनको 2000 क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे, पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप पे डिपेंड है। 50 क्वेश्चन तो मैंने कम बोले, 100 भी लगा लोगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से टाइम मैनेजमेंट और अच्छे से पता चल जाएगा कि आप अपना टाइम कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक। इसकी रही पेडागोजी की बात, तो इसमें और जो मैथ्स की पेडागोजी है, मैथ्स का भले ही थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन EVS में तो जितनी अच्छी आपकी CDP होगी उतने अच्छे आपके पेडागोजी में मार्क्स बन जाएंगे। तो CDP के लिए भी मैं यही कहूंगी, पर डे कोशिश करो 100-50 MCQs प्रैक्टिस करने की, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे अदर स्टेट के हो, चाहे कहीं के भी, जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब आ जाता है मैथ। अब मैथ की बहुत लोगों को दिक्कत रहती है कि मैथ कहां से करें, मैथ्स चूंकि 20 मार्क्स का आना है और 10 मार्क्स की यहां पर पेडागोजी आनी है, तो अब क्या किया जाए, तो मैग्रो-हिल ले सकते हैं आप चाहे तो उसमें क्या है, उस बुक में बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट है, लगभग आप ये समझ लो 10 से 15 टॉपिक है, और अगर आज से भी आप मैथ उठाएंगे, जैसे किसी ने अगर मैथ नहीं की या किसी की बहुत वीक थी, क्योंकि मैथ्स के भी कॉमेंट्स आए हैं मैथ्स वीक है मैम कैसे क्या करना है, तो आप वो बुक लेकर, अगर आप चाहें तो वो बुक लेकर उसमें प्रैक्टिस कीजिए, और टेस्ट सीरीज आप लोग लगा ही रहे हैं तो उसके क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, अदर स्टेट के क्वेश्चन जो 1st-5th के लेवल के हो वो देख लो, 1st-5th में जो भी, जैसे आप CTET के देखो या हरियाणा टेट के कहीं के भी देखो, तो वहां 1st-5th के देख लीजिए, और NCERT आप लगा लो 4th, 5th, 6th और मैक्सिमम 7th अगर आप जाना चाहते हो, तो मतलब इतना तो ये लगा ही लो, ये अगर आपको लगता है कि हाँ, जिन लोगों की वीक है उन लोगों के लिए बता रही हूं, क्योंकि 4th, 5th, 6th तो आप आराम से लगा लेंगे, वो उसमें टू द पॉइंट टॉपिक्स दिए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस से मैच करना, जो जो टॉपिक्स उसमें मिल रहे हैं उनको पॉइंट आउट करके, और बस एक एक सेट, एक एक चैप्टर लगा लीजिए, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, टू द पॉइंट दिया हुआ है, समरी के वे में ही दिया हुआ है, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसको एक बार, एक मिनट में मैं पूरा सम अप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। देखो CDP में क्या करना है, CDP में आप थ्योरी पढ़ने मत बैठना, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हो कहीं से भी, कोचिंग से या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो उसके नोट्स है उसको रिवाइज करो। देखो रिवीजन करना मत भूलना, हमको ये लगता है हमने ये पढ़ा है यार, प्याजी की थ्योरी तो 10 बार पढ़ ली, वाइगोत्स्की की पढ़ ली, लेकिन होता है कई बार हम भूल जाते हैं। रिवीजन करने के साथ साथ MCQs की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, और एक FLT पर डे का लगाओ, 20 FLT है उसमें, तो आप 15 दिन है अभी, लगभग 15 से 20 दिन है, क्योंकि मैंने पहले ही थोड़ा सा और टाइम ले लिया आपका कि आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज हो जाए। 13 है 28, तो अभी 15 डेज तो यही मिल गए, 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा भी है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं 20 FLT है, पर डे का एक FLT लगाओ, प्रॉपर सिटिंग में लगाओ, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, घर पर बिल्कुल कह दो कि हाँ अब उस टाइम आप उठकर बीच में से नहीं आओगे, जैसे आप बिल्कुल बैठते हो प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या मतलब जो सिस्टम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस पर प्रॉपर बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन हॉल वाला ही फील आएगा। अगर नहीं है तो मोबाइल में भी कोशिश करो, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, आई नो चीजें बहुत अजीब लग रही होंगी सुनने में, लेकिन ठीक है, आप लोग चूंकि आप जुड़े हुए हो इतने टाइम से, तो एक हम लोग बिल्कुल फ्रेंड सर्कल या जो कुछ भी आप मानते हैं, मैं मानते हैं, दीदी बोलते हैं कुछ लोग, जो भी आप समझते हैं, बिल्कुल एक एडवाइस टाइप का देना चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हो ना, तो अभी मोबाइल पे भी अगर लगाओ तो बिल्कुल कोशिश करो कि एग्जामिनेशन हॉल वाला फील आए, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। और मैं तो ये कहूंगी, अगर आप अभी सोशल नेटवर्किंग साइट से, केवल 15 से 20 दिन का खेल है बस, अगर आप लोगों ने 15 से 20 दिन में अच्छी पढ़ाई कर ली तो आप लोग मेरिट में भी आ सकते हो और चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हो।
15 से 20 दिन थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग साइट को अनइंस्टॉल करके रख दो, एकाध अगर कोई साइट रख रहे हो तो केवल वो पढ़ने से रिलेटेड रखो। जब आप पेपर दे रहे हो तो वो टाइम मैनेज कर लो कि हाँ अगर जैसे आप सुबह 10 बजे बैठ गए तो 10 से 12:30 मतलब जो आपका 2.5 घंटे, क्योंकि मोबाइल या सिस्टम पर आप दोगे तो जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वो टाइम साइट में लिखा आएगा, वो अपने आप ही टाइम रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन जो टाइम है उसमें उठो मत बार बार, किसी ने आवाज लगा ली, किसी का फोन आ गया या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया उसको पढ़ने बैठ गया, किसी ने कह दिया यार वो तूने वो वाली थ्योरी नहीं पढ़ी क्या, चलो वो वाली थ्योरी कर लेते हैं, तो मतलब हमने टेस्ट को हटाया और हम वो वाली थ्योरी करने बैठ गए, तो हमारा माइंड क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया। अब इस टाइम पे डाइवर्जन नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल मतलब 10 चीजों में लग गए और जो हमारी मेन चीज है हम वही भूल गए। तो इसीलिए रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, FLT इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो पूरा समग्र हो जाता है, पता चल जाता है कि हमारा टाइम कितना जा रहा है, हमारे हजारों बच्चों में हमारी रैंक, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, या 130 नंबर आ रहे हैं, 140 नंबर आ रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा। और जो टाइम की बात बोली तो वो सिटिंग वाली बात आ जाएगी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इवन हम लोग इतने बड़े बड़े भी हो गए तो भी प्रॉपर सिटिंग हम लोगों ने नहीं की, बहुत से लोगों ने की होगी, आई एम नॉट सेइंग कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत से के साथ तो ऐसा होगा वो 2.5 घंटे बैठ ही नहीं पाएंगे, वो ऊब जाते होंगे कि अरे यार ठीक है हो गया बस फटाफट टिक करा और हम पेपर सबमिट कर देंगे, नहीं, एग्जामिनेशन हॉल जैसा फील ना, सिस्टम अच्छी बात है भाई उसमें तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल आप टेबल पर बैठोगे, टेबल चेयर पर बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जामिनेशन हॉल है, एक पेपर शीट ले लो जो A4 साइज की मिलती है ना एग्जाम में, बिल्कुल वो लो और कोशिश करो उसी स्पीड से उसी तरीके से सॉल्व करने की। जब ये 20 FLT आप दोगे ना प्रैक्टिस में तो पहले में अजीब लगेगा, हो सकता है बोरियत भी लगे, ये बिल्कुल खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूं, पहली बार में ऐसा लगेगा कि यार बोर कर रहा है, चलो यार फटाफट ये तो हमारा पड़ा हुआ है इसको रहने देते हैं, या टिक करा और फिर जब मार्क्स आए, मार्क्स सपोज 110 या 115 कुछ आ गए, अरे हाँ चलो ठीक है हमारे तो और भी अच्छे आ सकते थे, हमने तो ऐसे जल्दी जल्दी में दे दिया, हमने तो 1 से 1.5 घंटे में पेपर ही लगा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पेपर लो, बिल्कुल भी इधर उधर मत देखो कि यार ये वाला क्वेश्चन है ये मुझे नहीं आ रहा, चलो इसको ना अपन नोटबुक में देख लेते, नहीं, इन टाइम का जो ये जो टाइम है 150 मिनट्स आपको मिल रहे हैं उसका बिल्कुल ध्यान रखो। टाइम का बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत आती है, जब भी हम एग्जाम देके आते हैं तो हमें आधे से ज्यादा लोगों, आप लोगों ने भी सुना होगा और महसूस किया होगा कि आधे से ज्यादा लोग तो ये बोलते हैं यार ये तो मुझे आ रहा था लेकिन टाइम मतलब टाइम की कमी हो गई मैथ्स में, यार टाइम की कमी हो गई, CDP में क्वेश्चन अच्छे लेंदी लेंदी आ गए और यार वो टाइम की कमी हो गई हमें तो आ रहा था, वाकई में आता है ऐसी बात नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब 90-95% एग्जाम का जो पेपर होता है वो आ रहा होता है, लेकिन क्या है वो अच्छा आउटपुट क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि उन्होंने यहां प्रैक्टिस नहीं करी। और अभी आपके पास 15 से 20 दिन है, देखो अगर उसी दिन आपका पेपर हो गया तो भी आपके पास 15 से 20 दिन है, और जिनको एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे ऊपर के 5 के बाद भाई वो उनके गोल्डन डेज में आ जाएंगे, तो उसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप समझो 20 FLT जब दोगे ना, अगर आपसे भी 1 FLT दिया ना आपने पर डे का, तो आप लोगों को बहुत अलग से फर्क देखने को मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर जुड़े हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है, वो लोग भी बताते हैं कि पहले उनके भाई क्या मार्क्स थे, आज उनके क्या मार्क्स हैं, हो सकता है डाउट हो सकता है कभी कभी घबराहट भी होगी कि यार मेरे तो इतने कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये चीजें घबराने का टाइम नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कमी कहां रह रही है उनको नोट डाउन करो, जहां पर भी आपको लग रहा है उनको नोट करो, उन पर पॉइंट्स लिखो, लेकिन वो सब टेस्ट के बाद, टेस्ट के बीच में कोई काम मत लाओ, यहां पर ये बात होगी। और जो हाउसवाइफ है उनके लिए उनके भी कमेंट्स आते हैं कि भाई उनके साथ बेबी है तो वो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाती हैं या टाइम नहीं दे पाती हैं, जहां लोग 8 से 10 घंटे देते हैं वो 1-2 घंटे भी नहीं दे पा रहे, उस चीज से एग्री है, लेकिन देखो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना पड़ेगा, जैसे जब बेबी सो रहा है तो आप उस टाइम टेस्ट दो, कोशिश करो कि टेस्ट का टाइम बिल्कुल ऐसा हो जहां पर आपको बार बार उठना ना पड़े, आपका डिस्टर्बेंस जो पॉइंट है वो थोड़ा बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, फिर आप कुछ काम कर रही है, कुछ ऐसा काम जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है तो उस टाइम कोशिश करो एयरफोन लगाकर वीडियो चालू कर लो जो भी आप देख रही हो, और स्पीड मेंटेन करो, ये नहीं कि लाइव सेशन देखने बैठ जाओ, अब ये कोई टाइम लाइव सेशन देखने का नहीं है, सेशन बिल्कुल जब हो जाए उसको बाद में देख लो, डाउनलोड कर लो, उसकी स्पीड बढ़ा लो, 2x कर सकते हो 2x कर लो, 1.5 कर लो, लेकिन उसी स्पीड में नहीं, क्योंकि स्पीड भी बहुत से टीचर्स की कम होती है, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उन पर विश्वास रखो, किसी भी चैनल पर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो उनके जो नोट्स हैं उन पर बिलीव रखो, बार बार रिवाइज करो, किसी अब नई बुक पर मत जाओ। और जो भी हाउसवाइफ है उनके लिए यही है, आपको अपना टाइम खुद बचाना पड़ेगा, आप ये नहीं थोड़ा आप लोग जो सोशल साइट्स यूज करते हो उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, क्योंकि पता नहीं चलता है सोशल साइट्स में लगभग आप ये समझ लीजिए 1 दिन के 3 से 4 घंटे तो ऐसे स्क्रॉलिंग में चले जाते हैं, थोड़ा सा कोशिश करो उनको अनइंस्टॉल कर दो थोड़े से दिन के लिए, केवल 15 से 20 दिन अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे तो हो सकता है आप लोग को
प्रॉफिट मिल पाए, वहां पर बेनिफिट मिले आप लोगों को, तो थोड़ा सा कोशिश करो जब बेबी किसी चीज में एंगेज है या किसी और फैमिली मेंबर्स के पास है तब टेस्ट सीरीज लगाओ। तो वो जो आप लोग जो टाइम निकालकर बचाओगे ना, तो एक तो उसमें मजा बहुत आएगा आप लोगों को, फिर उसके बाद जब आउटपुट अच्छा निकलेगा तो रात में पूरा एनालिसिस करो कि हाँ ये ठीक है। थोड़ा सा ऐसा कोशिश कर लो रात में ज्यादा देर तक पढ़ लो भाई, 12-1 बजे तक उस चीज को खींच लो कि हाँ चलो ठीक है, सुबह तो भाई सब उठ जाते हैं तो वो हो हल्ला शोर में हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन रात में हम थोड़ा सा खींच सकते हैं। केवल जो 15 दिन अगर आप लोगों ने थोड़ी सी ओवर मेहनत, मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरलोड रहेगा जो हाउसवाइफ है, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने कर लिया तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो सीडीपी में यहाँ पर ये बात होगी, हर सब्जेक्ट में मैं यही कहूंगी, जैसे इंग्लिश है तो आप ग्रामर पढ़ने मत बैठो 15 दिन है, क्या ग्रामर, बुकैब बहुत अच्छी कर लो, 15-20 बुकैब भी अगर पर डे पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कम से कम दिमाग में 5-10 रहे और 5-10 केवल रीड कर लो ताकि जब कभी एग्जाम हो तो वो क्लिक कर जाए, क्लिक वाली बात भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो 15-20 करो तो दिमाग में कम से कम ये रखो कि 10 तो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, 5-10 केवल थोरोली रीड भी हो रही है तो चलो कम से कम दिमाग में उस टाइम क्लिक कर जाए। ऐसे ही मैं हिंदी में बोलूंगी, हिंदी में भी व्याकरण पढ़ने मत बैठ जाओ बिल्कुल एक एक चीज से, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख लो, अपठित गद्यांश आना है पद्यांश आने हैं तो वहां पर थोड़ी सी कोशिश करो कि ये पर्यायवाची विलोम शब्द आप लोगों के अच्छे हो पाए, वहां पर आप लोगों को प्रॉफिट बेनिफिट मिल जाएगा। ये बात होगी पेडागॉजी की बात है, तो भाई जितनी अच्छी सीडीपी में पकड़ रखोगे, और पेडागॉजी में अप्लाइड बेस्ड आते हैं आप सबको पता है, वहां फैक्चुअल एक दो आएंगे कि ये थ्योरी किसने दी ये वो, तो एक दो चीजें आती हैं, बाकी पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो अलग अलग स्टेट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि भाई एमपी में इतने सालों बाद हो रहा है, हर स्टेट में थोड़ा ना इतने सालों बाद हो रहा है, तो वहां की प्रीवियस ईयर पेपर कलेक्ट करो, एक दूसरे को शेयर कर दो। यहां पर एक तो ये चीज बहुत रहती है, अगर कोई मटेरियल किसी के पास है तो वो दूसरे के पास ना चला जाए, तो ये सब चीजें भावनाएं मत रखो, एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि चीजें आप लोग बांटोगे तो हेल्प एक दूसरे की होगी और प्लस आपकी भी होगी, कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प होने वाली है। ऐसा मत सोचो कि यार मैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम पर एक पर्सन है जो प्रीवियस ईयर और जिन्होंने खुद से वो चीज परचेस की और टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी। तो इस तरीके से लोग बनो आप, उन्होंने अभी तक 4 पेपर विद एक्सप्लेनेशन सेंड किए हुए हैं, तो वो अगर वो भी ये सोचें कि अरे मैं क्यों उन लोगों को सेंड करूं, ये तो मैंने परचेस की है या ये मैंने चीज करी, तो इस तरीके से विचारधाराएं थोड़ी सी चेंज करो, बाकी आप लोगों को खुद मजा आएगा। 15-20 दिन अच्छे से कोशिश करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिवोशन लाओ, सोशल साइट्स दूर रखो, लाइव सेशंस मत देख के उनको डाउनलोड करके उनकी स्पीड बढ़ाकर देखो ताकि टाइम बच जाए। नए सेशंस में तो ये बोलूंगी, नए सेशन में थ्योरी मत देखो, कोशिश करो कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जितनी हो पाए वो ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि एमसीक्यूज ही आने हैं और थ्योरी में आप इतना ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है। ईवीएस अथाय है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, फैक्चुअल 1 लीनियर फैक्चुअल पॉइंट्स जहां पर आपको दिख रहे हो जिस बुक में जो आपको ठीक लगे वो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अलग अलग जो स्टेट में एग्जाम्स हुए उनकी पैडागॉजी या फिर उनकी जो कंटेंट है उससे प्रैक्टिस करो। मैथ में 6 तक कर सकते हो, जिनकी वीक है जिनकी अच्छी है वो तो भाई 10 तक भी कर ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्रो हिल्की ले सकते हो अगर आप लोगों को ठीक लगे। तो गाइज यहां पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ जिसमें 15 डेज में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकती थी अपने हिसाब से वो मैंने आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करी। सेशन आए तो लाइक शेयर करें, शेयर जरूर कर दें उन लोगों के साथ जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और टेस्ट सीरीज के लिए जो प्ले है प्ले स्टोर से जो लोग आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।